assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज इनशा हम लेक्चर नंबर थर्टी वन स्टार्ट करेंगे जिसमें आज हम अदवात इस्तफाम जो है जिसमें जुमला इसमिया को कैसे उसको इस्तेफामिया बनाया जाएगा वो सीखेंगे इनशाला और आज ये हमारा जुमला इसमिया का आखिरी लेक्चर है हमारा जुमला इसमिया कम्प्लीट हो जाएगा और इन नेक्स्ट लेक्चर से हम जुमला फेलिया स्टार्ट करेंगे <coughs> तो शुरू करते हैं इनशाला यहाँ पे मैंने ये एक दुआ लिखी है आप सबके लिए क्योंकि बहुत सी सिस्टर्स अक्सर ये जहन में पूछती भी हैं उनके जहन में भी होता है कि हमें ये रूल्स याद नहीं रहते हम जो ये कि कब क्या करना है कब क्या चीज मतलब सब कुछ मिक्स हो जाता है तो मैं उनको इनक्रेजमेंट के लिए कहना चाहूंगी कि ये जो हम तजवीज़ सीखते हैं या ग्रामर अपने कुरान मजीद के को समझने के लिए जो अरबी ग्रामर सीख रहे हैं उसके लिए हमें रूल्स को कवायद को सीखना तो पड़ेगा उन्हें हिफ्ज करना पड़ता है कि कब कौन सा रूल होगा और क्या अप्लाई करना होगा और कैसे फिर तर्जुमा चेंज होता है ये हरकत क्यों चेंज होती उनके है उनके कवायद क्या हैं तो इनको बेसिकली हम हिफ्ज़ कर रहे होते हैं तो अगर हम ये नियत कर लें कि हम भी इस कुरान को समझने के लिए इन कवायद को अगरचे ये हमारी जुबान नहीं है हम अजमी लोग हैं नॉन अरब हैं हमें ये जुबान बिल्कुल भी नहीं आती फिर भी हम इसको सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं अब उम्र के सिस्से में हम लोगों के दिमाग भी चूंकि अब इतना उस तरह के तेज नहीं है और कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी हमें हर चीज याद रह जाए जो हमने सीखा है वो हमारे जहनों में रहे तो आप सब नियत रखें कि अल्लाह तला से जिस तरह का गुमान किया जाए इन उम्मीद है कि हमें उस तरह का अजर मिलेगा तो आप सब अगर ये नियत रखें कि हमें अल्लाह तला हाफजे कुरान में अल्लाह तला हमारा शुमार फरमाए क्यूंकि हम कुरान को तजवीज से सीखने या ग्रामर से सीखने के लिए उन रूल्स को हिफ्ज कर रहे हैं उन कवायद को अपने जहनों में बिठा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें भी उनका हमारा भी शुमार हाफ कुरान में करे इनशाला और जो प्रोटोकॉल हाफज कुरान को जन्नत में मिलेगा अल्लाह ताला हमें भी वो अता फरमाए इन आमीन तो इनशाला आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं <coughs> इस्तेफाम इस्तेफाम जो है ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं जुमला इस्मिया में दो तरह से क्या मतलब हरूफ इस्तेफाम भी होते हैं और इसम इस्तेफाम भी होते हैं और हरूफ इस्तेफाम कितने हैं हरूफ इस्तेफाम सिर्फ दो हैं हमजा और हल हमजा और हल सिर्फ ये दो हरूफ हैं जो कि इस्तेफाम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन के तौर पर पूछने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जबकि इसम इस्तेफाम तकरीबन जा रहा है तो ये थोड़े ये थोड़े ज्यादा है लेकिन इसमें से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको बस याद भी ना रखे बल्कि इनको बस पहचान होगी जब कुरान पाक में ये अल्फाज आए तो आपको जहन में हो कि हाँ ये इसम इस्तेफाम है ये क्वेश्चन के तौर पर अब हमने इसका तर्जुमा करना है हमने इसको सवालिया तौर पर जब तर्जुमा करना है तो सवालिया उसमें मफहम पैदा करना है तो हरूफ क्या है कितने हैं सिर्फ दो हमजा और हल ठीक जबकि इसम इस्तेफ़ाम क्या है ज्यादा है ग्यारहको आई थिंक ग्यारह है और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इनको डिटेल से सीखेंगे डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज को हम अच्छी तरह से समझेंगे कुरान पाक या याद के साथ समझेंगे तो

इसको और ये साथ में बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं इसलिए टेंशन नहीं लेनी आपने अब हम ये देखते हैं कि हरूफ इस्तेफाम और इसम इस्तेफाम में फर्क क्या है दो हरूफ को अलग क्यों किया गया और बाकी इसम है तो वो उनमें ये फर्क क्यों है हरूफ हर, इस्ते, जो इस्तेफाम है उनका जब जवाब होगा ना तो वो सिर्फ हाँ या नाम में दिया जा सकता है ये जब कोई इंसान क्वेश्चन पूछेगा और इसकी एग्जाम्पल मैं आगे इनशाला डिटेल से आपको ये समझाऊंगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आप आंसर सिर्फ हाँ या ना में देंगे तो सुनने वाले को बात समझ आ जाएगी कि हाँ क्या जवाब मिला लेकिन जो इसमें इस्तेमाल है उसमें उसमें क्या है कि उसमें जब जवाब देना होगा तो सिर्फ हाँ या ना से बात मुकम्मल नहीं होगी बात समझ में नहीं आएगी जब तक पूरी वजाहत ना दी जाए किसी बात के जवाब में पूरी वजाहत देने को वहां पे फिर इसमें इस्तेफ इस्तेमाल होगा हर फे इस्तेफाम नहीं ये तो एक नॉर्मल सी इनकी डेफिनेशन होगी लेकिन इसके अलावा वो आप अपने नोट्स में यहाँ पे में पे रिटर्न नहीं है लेकिन आप अपने नोट्स में लिखिएगा कि लिखिएगातफाम जब इस्तेमाल होंगे तो उनके साथ इस की वाली कोई कैद नहीं होगी यानी हमें ना उनका जेंडर जिन्स देखना होगा ना अदर देखना होगा ना वो सत ना ही उनका वो मार्फा ना मरफूम मनसूब मजरूर ऐसा इसमें कोई कैद नहीं हरूफ के अंदर ये कैद नहीं होती लेकिन जो इस्तेफाम है वो मरफू बन के भी आ सकते हैं वो मंसूब बन के भी आ सकते हैं वो मजरूर बन के भी आ सकते हैं उनकी हमें वसत देखनी होगी वसत यहाँ पे वो शायद इन आगे मैंने नोट्स में आपको बताऊंगी इनकी वसत क्या होती है क्योंकि हम इस्मा मारफा कर सात इसम मारफा हैं उनके अलावा जो कुछ होगा वो नखरा ही होगा तो आप यहाँ से भी आपको भी पता चल गया होगा कि ये इसम इस्तेफाम फिर क्या उस कैटेगरी में थे या नहीं थे अगर थे तो मालफा और अगर नहीं थे तो फिर ये नकरा है <coughs> तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन इसम इस्तेफाम क्या है कि उनके साथ वे चार खसूसियात जो इसम की होती हैं वो इसके अंदर भी होंगी <coughs> तो चले इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं <coughs> हर्फ इस्तेफाम हमजा और हल अब जैसे अगर मैं आपसे ये पूछू क्या ये गाड़ी है ये एक मेरा क्वेश्चन है ठीक है क्या ये गाड़ी है या कार है तो आपका आंसर क्या होगा हाँ बस इतनी बात कह देंगी बात आपका आंसर कंप्लीट हो गया हाँ कह देने से आप यस yes कह देंगी अगर इज इट दिस कार तो आप कह देंगे यस दैट्स इट आपके आंसर कंप्लीट हो गया यस yes में यहां में आंसर कंप्लीट हो गया अरबी में इसको हम कहेंगे ना nah, आम um. ठीक हो गया अब इसी तरह अगर मैं एक और पिक्चर ले आऊं और यहाँ पे एक क्वेश्चन कहूँ क्या ये किताब है तो अब आपने नॉर्मल इसका हाँ यह नामे जवाब देना है तो आप कह देंगे जी नहीं अरबी में इसको कहेंगे ला तो नहीं में आ, आंसर दिया जा सकता है तो यहाँ पे ये जो ऐसी क्वेश्चंस होते हैं ना क्या जहां इस तरह से कि जिसका आंसर हाँ ना में दिया जाए तो वहां पे हमजा या फिर हल हमजा और हल इस तरह के बस इन दो हरूफ में से ही कोई हफ इस्तेमाल होगा ठीक हो गया <coughs> अब हम इसको आगे चलते हैं अब यहाँ पे एक पिक्चर है अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन रेज करती हूँ और क्वेश्चन ये है कि लड़का कहाँ जा रहा है अब क्या आप ये कहेंगी हाँ या आप कहेंगी नहीं क्योंकि मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि लड़का जा रहा है तो आप कहेंगी हाँ जा रहा है मैं ये नहीं पूछ लड़का जा रहा है मुझे तो मुझे पता है जा रहा है लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कहाँ जा रहा है अब ये जो जवाब इस क्वेश्चन की वजह इस क्वेश्चन के रिप्लाई में जो जवाब होगा वो वजाहत तलब होगा उसको वजाहत से देना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है ठीक है तो अब जो आंसर होगा वो उसके अरबी में उसके लिए ये इसम इस्तम आयना कहाँ आइना का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में कहाँ के लिए वेयर के लिए और अगर इसका फर्ज मैंने अपनी तरफ से खुद ही आंसर बनाया कि लड़का मदरसा जा रहा है अब ये पूरा जुमला है ठीक है पूरा जुमला है हाँ या ना में इसका ताल्लुक नहीं रहा अब जब हाँ या ना में ताल्लुक नहीं रहा तो वहां पे इसम इस्फाम इस्तेमाल होगा हरफ इस्तेफाम अब मैं कर एक इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करूँ वो कब मदरसा जाता है अब जो कब के लिए लफ्ज अरबी में इस्तेमाल हुआ है वह है मता या फिर अना दो लव हैं जो दोनों ही कब के देते हैं <coughs> मायनेता तो इसका फिर जवाब सिर्फ हाँ ना में तो नहीं हो सकता अगर मैं सवाल करूँ वो कब मदरसा जाता है तो आप क्या जवाब ही कहेंगी हाँ या आप कहेंगी नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ये तो फिर आंसर ही इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट का ये आंसर ही कुछ हो रहा है मतलब सुनने वाले को समझ ही नहीं आएगा आएगा कि आपने क्या जवाब दिया है जब तक आपके प्रॉपर नहीं बताएंगी कि वो शाम को जाता है या सुबह जाता है या मजीद डिटेल भी दी जा सकती है कि वो किस टाइम पे एग्जैक्ट सात बजे जाता है पांच बजे जाता है टाइम भी बताने को अपनी वजाहत देने के लिए आंसर में दिया जा सकता है इसी तरह अगर कहा जाए कि लड़का कौन से मदरसे जाता है तो कौन सा के लिए विच वन तो वो फिर अरबी में लफ्ज है अयो अयु तो ये वो ऐसे इसम इस्तम मैंने सिर्फ अभी तीन इस तरह से, से आपको समझाने के लिए कि ये इसम इस्तम है और ये क्यों है क्योंकि इसके आंसर में फिर वजाहत चाहिए होगी सिर्फ हाँ या ना से बात मुकम्मल नहीं होगी जवाब में जबकि हरूफ इस्तफाम में हाँ या ना से बात समझ लग जाएगी आंसर मुकम्मल हो जाएगा बस फर्जी जुमले बस इतने ही थे समझाने के लिए अब आगे जितने भी हैं वो सब आगे इनशा कुरान पाक की आयात से इनशा होगा ये दो कुर पाक की आयात है आलमोस्ट सेम है सिर्फ आखिरी जो मुस्लिम और शाह की सिर्फ ये दो हर्फ चेंज है आप जो शुरू में फा लगा है इसको भी कंसिडर ना करें इसको भी क्योंकि अभी पूरी आयत नहीं है इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फाक कौन सा फा है फा भी बहुत सारे है तो अभी हमने सिर्फ अतफ फा जो है वो पढ़ा है इसलिए हम उसको साइड पे कर देते हैं उसके बाद आगे हल ठीक है हल आ गया अब ये हर्फ है हर्फ को हम कुछ भी नहीं बना सकते ना मुफ्त ना खबर क्योंकि वो हर्फ है हर्फ मुब्तः खबर वगैरह फाइल मफूल वगैरह नहीं बनते ये चीजें जो है इसम बनती है <coughs> अगर यहाँ पे इसम इस्तेफाम होता तो फिर हम उसको मुतदा खबर वगैरह बनाते लेकिन हर्फ को नहीं बना सकते तो ये जो हल है उसको तो हम कह देंगे सिंपल के हर्फ इस्तेफाम, इसलिए साथ हर्फ लिखेंगे कि हर्फ है और इस्तेफामिया हर्फ है अंतुम दोनों जगह है तो अंतुम से जुमले की शुरुआत हो रही है जमीर मुनफसल है मारफा है तो ये बन जाएगा मुफतदा दोनों ही आयतों में मुस्लिम देखिए दोनों ही रफा हालत में है दोनों नकिरा है क्योंकि इनके साथ अल नहीं लगा हुआ तो खबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो ये हो गई खबर मुतदा खबर की अगर आप मुताबकत देखें तो दोनों में मुताबकत है जेंडर के लिहाज से जीन्स के लिहाज से और अदद के लिहाज से इस तरह से इनमें मुताबकत है जो कि मुतदा और खबर में होती है अब अगर मैं यहाँ पे आपसे चले इनका तर्जुमा करते हैं बस क्या तुम सब मुसलमान होते हो तो इसका आंसर देखे हाँ ये नाम दिया जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं अगर बिल बिलफर्ज सपोज कि ये सवाल हमसे किया जा रहा है मुझसे किया जा रहा है कि क्या तुम मुसलमान होती हो तो मैं कहूंगी जी हाँ बिल्कुल जी हाँ ठीक है जी हाँ, चूंकि हमारा एक उर्दू रवायती एक जी का लफ्ज हम लगाते हैं <coughs> यहाँ पे मुझे अपनी बेटी का याद आ गया मेरी बेटी है जब उस जब भी मैं उसे बुलाती हूँ तो वो आगे से कहती है व्हाट या फिर कहती है यस तो यस तो ठीक है लेकिन वर्ट जो है ना बहुत रूड लगता है बुरा लगता है तो मैं उसे समझाती हूँ मोमिना आपने वट नहीं कहना यू हैव टू से जी मामा अब उसको माशाल्लाह मैंने इतना उसको पक्का किया हुआ है तो एक रोज वो मुझे कह रही के मामा मामा और मैं बर्तन धो रही थी बिजी थी और बर्तन धोते हुए अक्सर इंसान के ख्याल भी कहीं और ही गए होते हैं और मेरे तो खासकर होते हैं कि मैंने अगले लेक्चर में क्या कैसे प्रेजेंट करना है अपने लेक्चर को तो मैंने कहा वट हैपन मोमिना तो वो कहती है नो वट हैपन जी मोमिना तो वहां से मुझे याद आया कि चले ये जो जीव का लफ्ज है ये हमारे एक अपना रवायती है पर यहाँ पे कम पॉइंट कि क्या तुम सब मुसलमान होते हो इसका जवाब में हाँ या ना में आंसर दिया जा सकता है इसमें वजाहत की जरूरत नहीं है क्यों देखिए पीछे जो है हरफे इस्तेफाम लगा हुआ है अच्छा अब आगे क्या हो गया कि फिर क्या तुम सब शुक्रगुजार हो इसका भी आंसर बिल्कुल हाँ ये ना नामे दिया जा सकता है तो हम कहेंगे जी हाँ या हाँ फिर वही बात जी हाँ तो ये जो है हम जी हाँ में ये ना नामे इसका आंसर दे सकते हैं बात खत्म हो जाती है फिर इस तरह से अच्छा अब हमजा की तरफ आ जाते हैं आप कुमरु खरुन आप जो रेड कलर में हमजा लगा हुआ है वो क्या का मायने दे रहा है और वो क्या है हरफे इस्तेफाम कुफारुकुम मैं एनिमेशन चला भी देती हूं। कुफार क्या बन गया ये मुरकब इजाफी है तुम्हारे काफिर कुफारुकुम और देखिये कुफारु मुक, जमा मुकसर में रा के ऊपर पेश है जिससे पता चल रहा है कि ये इस वक्त रफा हालत में है मुरकब इजाफी रफा हालत में है और जुमले की इब्तदा हो रही है हमने हरूफ को नोटिस नहीं करना अगर हर्फ आ जाएगा तो हर्फ के बाद देखेंगे के इसम शुरू होगा तो वो जुमला इसमिया और अगर वो फेल से शुरू होगा तो वो जुमला फेलिया अब इनशाला चूंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जुमला फेलिया पे शुरू हो जाएगा तो इनशाला अब तो मजीद हमारा जो है कॉन्टेंट बढ़ जाएगा <coughs> तो ये मरकब इजाफी बन के मुबदा बन गया और खीरों देखे नखरा है रफा हालत में है तो ये बन गया खबर इसके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको मैंने नहीं किया क्योंकि इसको तो से आप खुद ही एनालाइज़ कर लेंगी मुतदा हो गया खबर हो गई हमजा जो है, है इस्तेमाल के तौर पर अब अगर आप इन दोनों के तर्ज़मे को नोट करें क्या वो बेहतर है हाँ या ना क्या तुम्हारे काफिर बेहतर है हाँ या ना ब मतलब बात जो है ना हाँ यह ना था कि उसके आंसर में बात खत्म हो जाती है <स्थ> अब आप देखें कि अब जो मैं आय दे रही हूँ इस आयत को देखें माजा वल अर्द। अब माजा, ये भी क्या का मायने दे रहा है माजा ये भी क्या का मायने दे रहा है अरबी हम उर्दू जुबान में देखें तो क्या देखें चाहे हर्फ के लिए भी हम क्या ही यूज कर रहे हैं और जो हमारा अरबी में जो इसम इस्तम है उसमें हम अपनी उर्दू जुबान में हम क्या ही इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि हमारी उर्दू जबान ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हर चीज के लिए हम क्या लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो हम क्या है आसमानों और जमीन में क्या है अब ये जो सवाल है क्या मैं कहूंगी हाँ और मैं क्या क्या मैं ये कह सकती हूँ नहीं क्या हमारी बात सुनने वाले को हमारा जवाब मुतम बख्श हमारा जवाब है क्या क्या हमारा जवाब इतना सेटिस्फाइड है कि अगला सुनने वाले को अपनी बात का आंसर मिल गया नहीं वो कहेगा क्या कह रहे मैं तो पूछ रहा हूँ कि आसमानों और जमीन में क्या है इसका मतलब ये ऐसा सवाल है जिसमें वजाहत चाहिए ये वजाहत तलब क्वेश्चन है ठीक है तो ये मेरा इसीलिए एक ही पेज में है, मैंने आपको दो हरूफ जो है ही दो हल और हमजा उससे कुछ एग्जाम्पल कुरान पाक से ली है और एक मैंने इसम इस्तेफाम और इसम इस्तेफाम वो लिया है जिसका मायने भी क्या ही में हो ताकि आपको समझ लगे चूंकि ये इसम है अब इसके अंदर हाँ ये नाम आंसर नहीं होगा वजाहत तलब आंसर होगा <coughs> चले आगे देखते हैं कि अब इसको एनालाइज करते हैं इसकी एनालाइज इसको तरकीब देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अब हर्फ नहीं है माजा ये हर्फ नहीं ये इसम है अब चूंकि ये इसम बनकर आ रहा है तो अब हमें ये जुमला इसमें कुछ ना कुछ बनेगा इसका हमें वो चारों खसूसियात भी देखनी होंगी ठीक तो इनशाला अब हम वो देखते हैं माजा से जुमला शुरू हो रहा है इसम है ठीक है इसम से जुमला शुरू हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जुमला इस्मिया हुआ तो ये बन जाएगा इसम इस्तेफाम मुफ्तदा ये मुफ्तदा बन जाएगा क्योंकि जुमले की इब्तदा हो रही है आगे फिस समावाती वल समावाद तो असमावा वल आरद ये तो मुरक्कब अतफी हो गया और ये मजरूर बन रहा है मजरूर क्यों बन रहा है पीछे हर्फ, जरफी लगा हुआ है अब हरफ फी अपने मजरूर के साथ मिलके पूरा का पूरा बन गया मरकब जारी अब मरकब जारी क्या बनेगा मुबतदा के लिए काय मुकाम खबर क्योंकि यहाँ पे असली खबर महजूफ है डिलीटेड है असली खबर यहाँ मौजूद नहीं है अब चूंकि असली खबर मौजूद नहीं है तो हम इसको कहेंगे काय मुकाम खबर खबर की उसने जगह ले ली ठीक हो गया ये जार मजरूर कभी भी मुबदा तो नहीं बनता तो वो ये होता है कि अगर खबर मौजूद हो तो मुतालिक खबर और खबर मौजूद ना हो तो खबर की जगह पे आ जाता है काय मुकाम खबर तो इस तरह मुबदा अपने काय मुकाम खबर से मिल के फिर बन गया जुमला इसमिया और तर्जमा वही है बहुत जल्दी स्लाइड गुजर गई चले मैं बैक करके एक बार देख लेती हूँ कि जमीनों आसमान में क्या है अच्छा अब हम जो हमने शुरू की स्लाइड में हमने मैंने आपको है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ हरूफ इस्तेफाम और हमजा इस्तेमाल हरूफ इसम इस्टिफाम, इस्टिफाम और इसम इस्तेफाम में फर्क को समझाने के लिए मैंने आपको कुछ समझाया लेकिन अब हम प्रॉपर देखते हैं कि टोटल इसम इस्तेफाम कितने हैं और कौन कौन से हैं साथ में मीनिंग भी देखते हैं माजा क्या अम, मायने भी क्या माँ का मायने भी क्या मन का मतलब कौन अयु अच्छा ये तीन है जिसको भी, भी डिटेल से मैं समझाऊंगी कि अयु अय्या ये तीनों तरह से आता है ये रफा बन के भी आएगा ये नसब बन के भी आएगा ये जर बन के भी, बन के भी आ सकता है ठीक है ये अयु जो ये ऐसा लफ्ज है ये मुनसरफ है बाकी जितने के जितने इसमें इस्तम है वो सब मबनी है वो तब्दील नहीं होंगे और मबनी के लेक्चर में हम इसम इस्तेफाम को हम देख चुके हैं कि मबनी जो होते हैं वो इसम इस्तेफाम होते हैं सिर्फ एक नहीं है वो है अयो ठीक हो गया कैफा कैसा कम कितनी मता इसका मतलब होता है कब दोनों का मायने और अन्ना का मतलब कहाँ और आईना का मतलब भी कहाँ में आता है <coughs> ये टोटल इनके स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे टोटल इसम इस्तेफाम है जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं और ये सब के सब ठीक है शुरू हो चुका है वैसे का, का तो काफी हद तक इसम को भी समझा चुकी हूँ लेकिन इन शाह मजीद अब इन इसम इस्तेफाम से मुताल कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ बातें हैं कि तमाम इसम इस्तेफाम जुमले के शुरू में आते हैं ठीक है तो आपने ये चीज भी जहन में रखनी है कि इसम इस्तेमाल जो होते हैं ये जुमले के शुरू में ये सदारत जाते हैं ये जुमले के शुरू में आते हैं अगर खबर भी बन रहे होंगे ना तो भी शुरू में ही आएंगे इनका ऐसा है क्योंकि अमूमा क्या होता है कि खबर बाद में आती है मुतदा पहले आता है लेकिन अगर ये खबर भी बन रहे होंगे तो भी जुमले के शुरू में ही आ जाएंगे और फिर आगे जुमला शुरू होगा ये नकिरा होते हैं ठीक है ये मारफा इसम नहीं है क्योंकि मारफा इसम सिर्फ सात है और वो आप पढ़ चुकी हैं कि कौन कौन से हैं ये उन सात कैटेगरीज में से नहीं है उसके अलावा है तो ये नकिरा होते हैं जिनस और अदद में इन पर कोई कैद नहीं ठीक है इस इनमें कोई कैद नहीं ये नहीं मुजक्कर के लिए अगर कैफा जैसे मिसाल तौर तो पर मैं एक कैफा ले लू कैफा जो है ये मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा मुआनस के लिए भी इस्तेमाल होगा वाहिद के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा मुसन्ना के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा जमा के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा मैंने अभी सिर्फ कैफा लिया इसी तरह आप जितने इसम इस्फ़ाम है आप सबको जहन में यही रखें कि जितने भी इसम इस्तेफ़ाम है वो मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं मोहनस के लिए भी वाहिद के लिए भी तो मुसन्ना के लिए भी और जमा के लिए भी तो इसमें उनकी कोई कैद नहीं है क्योंकि ये मबनी है ना ये अपनी हालत तो तब्दील करेंगी नहीं ऐसा नहीं कि वाहिद के लिए ये कुछ और लिखे जाते हो मुसन्ना के लिए कुछ और लिखे जाते हो या जमा के लिए ये मबनी है

ये हमेशा क्या बनकर आएगा मुदाफ अगर ये मुदाफ होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो इसके बाद जो इसम आएगा वो मुदाफी होगा फिर लाजमी ठीक है ये भी अपने नोट्स में लाजमी लिख लें कि अयु मुनसरफ अस इसम है यानी अब इराब की तीनों हालतों को अडोप्ट करता है और ये मुदाफ बनकर आता है कम हमने जो पढ़ा था ना कम एक इसम इस्तेफा कितना का मायने देता है या कितनी की मायने देता है कितना कितनी ये सवालिया भी हो सकते हैं और खबरिया भी अब ये जो चीजें मैं लिख रही हूँ ना इसकी आगे इनशा आपको कुरान पा की आयात से मैं आपको ये समझाऊंगी अभी ये रिटर्न फॉर्म में मैं आपको बता रही कि क्या क्या हो सकता है तो <coughs> आईना पे आगे आ जाते हैं आय अन्ना अना मता ये चार इसम इस्तेफाम जो है ये जर्फ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने जरूफ़ पे ऊपर एक मुझे लेक्चर नंबर तो नहीं याद लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने जर्फ जमा और जर्फ मकान आपको समझाए थे जमाने को जो जो वो इसम जो जमाने को मफहम दे या फिर किसी जगह का मफहम दे तो ये जो चार इसम इस्तेफाम है इनमें इन से दो जो है वो ज़र्फ़ जमा है और ज़र्फ़ दो जो है वो ज़र्फ़ मका है और मैं आयात से आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे अच्छा मन मन जो है ये आकिल के लिए इस्तेमाल होता है कौन मन का मतलब है कौन तो ये आकिल के लिए इस्तेमाल होता है और आकिल भी मैं आपको लेक्चर फाइव में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन इनशाला आज दोबारा रिपीट भी हो जाएगा माँ माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है और इनशाला सारी चीजें अब आगे एक्सप्लेन हो इनकी डिटेल इनशाला आगे चलने वाली है <coughs> ठीक है जी ये मैंने बुलेट पॉइंट्स बना लिए हैं क्योंकि अब आगे हमारा लेक्चर में क्या क्या चलने वाला है इन्हीं टॉपिक्स को इन मैंने इनशाला एक्सप्लेन करना है सबसे पहले हम अय्यू को देख लेते हैं जो हमें बताया था कि अयू जो है मुंसलिफ होता है तो पहली वाली आप एक एग्जाम्पल देख लें जो पहली आयत है और ये मुदाफ बनकर आता है मैंने ये भी बताया था तो आप देखिए यहाँ पे अयु शई इन शही इन मजरूर क्यों है क्योंकि ये मुदाफिल बन रहा है और इसके पीछे अय्यू मुदाफ है जो कि इसम इस्तम है और इस वक्त ये हालत रफा में है तो ये मुक्तदा बन रहा है क्योंकि जुमले की शुरुआत हो रही है अकबरू इसम तफ्दील है खबर बन रहा है अब मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं रिसेंटली जो मेरा लास्ट लेक्चर था मुनसरिफ, गैर गफ और मबनी के ऊपर तो अगर तो वो देख चुकी हुई है तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें समझ आ चुकी होगी कि ये अकबरु जो है इस वक्त क्यों न इसके ऊपर तनवीन क्यों नहीं है तो इनशाला मुझे उम्मीद है कि वो समझ चुकी होंगी कि ये गैर अः इसम है गैर मुनसरफ है ये तनवीन कबूल नहीं करता इसके ऊपर दो पेश या दो जबर दो जेर नहीं आ सकती ये इस्मल तफदील उसी कैटेगरी में से है जो गैर मुंसरफ होते हैं तो इस वजह से ये अकबर नहीं हो सकता ये अकबरू है अफ आलू के वजन के ऊपर ठीक हो गया ये है तो ये खबर है हम इसको कंसिडर करेंगे कि यह ना है चूंकि ये तनवीन कबूल नहीं करता अच्छा अयुल अच्छा। फरीकने तो ये भी देखे मरकब इजाफी बन गया आईनी की साउंड आ गई मुसन्ना एंड मजरूर

सॉरी अख यु अफ अलू के वजन के ऊपर लेकर जैसे अकबरू है अकबरू अख यु ये लफ्ज ऐसे था लेकिन ये कुराने पाक में खैरुन के तौर पर ही इस्तेमाल हुआ है इसी तरह है शरुन शरुन खैर की ऑपोज़िट है खैर का मतलब होता है बेहतर भलाई और शर का मतलब होता है बुराई ओपोजिट खैर और शर दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के तो शरुन बीच जो लफ्ज है वो अशरारू था अशरारु हो गया वो गया। लेकिन अब वो पार्क में ही लेना है वो है। लेकिन वो आप, जब आप तर्जमा भी करेंगे तो मफूम दे रहा है क्योंकि वो या तो कम्पेटिव होगा मुकाबले के तौर पर या फिर सुपरलेटि डिग्री में उसका तर्जमा किया जाएगा <coughs> बेहतर बेहतरीन या सबसे बुरा इस तरह से माइनिंग में देगा शरुन अगर हुआ तो तो ये थोड़ी सी खैरुन की डिटेल थी लेकिन इन शब इसम तफदील को मैं कवर करूंगी तो उसमें मैं बकायदा लिख कर बताऊंगी कि अख जरू क्या किस तरह से लिखा जाएगा अभी भी जैसा मैंने बोला है अगर आप उसको अपने नोट्स में लिख लें हमजा हमजा आएगा हमजा छोटी सी हमजा उसके ऊपर होती है तो फिर जैसे अकबरू के वजन के ऊपर रख के आप अखरू बना दें ठीक है लेकिन कुरान पाक में खैरुन होगा अच्छा कुछ लोग मैं आपको ये यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि कुछ इसको कहते हैं कि ये मसदर के तौर पर इस्तेमाल होता है फ़ालून फा, के वजन पे फ़ालून, लेकिन ज्यादातर इसमुल तफदील ही कहते हैं और मैं तो इसी पे एग्री हूँ क्योंकि जब हम तर्जुमा करते हैं ना तो इस्मद्दील के मुताबिक ही हम तर्जुमा करते हैं खैर का और शरुन का तो मुझे वो ज्यादा ऑथेंटिक लगता है अच्छा मीन हो गया हफिजर अब अयु शई इन यहाँ पे देखिये अय्युशी इन था यहाँ पे है अजी शयन बाकी सब कुछ वही है सिर्फ ये अयी क्यों हुआ क्योंकि पीछे हरफ जर मीन था तो इस अयी ने अपनी हालत जो है वो तब्दील कर ली अकॉर्डिंग टू द हरफ जर ये मबनी नहीं है यही से आपको अंदाजा हो चुका होगा अब ये पूरा मजरूर हो गया और हरफ जर मिल के मजरूर मिल के फिर अः मरकब जारी हो जाएगा अय्याला बिन अब यहां पर मैंने ये जो है ना ये मरकब इजाफी बन रहा है और ये जो वन है ना ये अब घूम भी रहा है ये कुरान पाक में सिर्फ एक ही बार जो का लफ्ज है ये हालत नसब में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ है और वो यही है ठीक है और ये क्यों हालत नस्ब में गया है या फिर पूरी आयत होगी तो ही पता चलेगा कि ये क्यों हालत नसब में है इसम के मुताबिक जुमला इसमिया के मुताबिक नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा ठीक है तो आप समझिए होंगी इसका ताल्लुक भी इसका मतलब जुमला फेरिया में होगा तो इसलिए मैंने उसको पूरी आयत को बीच में नहीं डाला तो ये एक ही बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है जब बाकी क्या है कि या तो वो अयु बनकर आ रहा होगा या फिर अयी बनकर आ रहा होगा और रह अगर अयी होगा तो पीछे कोई ना कोई हरफे जर होगा तो ये अयु से मुतालिक इंफॉर्मेशन आगे चलते हैं कम कम का जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है कितना कमाईनी देता है या कितनी अब डिपेंड करते हैं हम कितना बोलेंगे या कितनी बोलेंगे ये टोटल कुरान पाक में अठारह बार इस्तेमाल हुआ है ठीक है अठारह बार इस्तेमाल हुआ है और अब मैं आपको कुछ पिक्चर से एक्सप्लेन करती हूँ जैसे कि ये कुछ बुक्स हैं और मैं ये सवाल करूं कि ये कितनी किताबें हैं अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रही हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये कितनी किताबें हैं और हम अगर गिनना चाहें तो इनको आसानी से गिन भी सकते हैं अब जो कुरान ये काम जो है सवालिया यहाँ पे जो कम अब अरबी में हम कितनी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना तो वो कम इस्तेमाल करेंगे कम इस में से तो वो सवालिया होगा और अब पाक की आयत है कम लबिस तुम फिल तुम फिल कितना अरसा ठहरे ज़मीन में या तुम कितना अरसा जमीन में ठहरे तो ये जो यहाँ पे अब ये है ये क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है ठीक है बताया नहीं जा रहा खबर नहीं दी जा रही पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक और आसानी पैदा कर दूं कि कुरान पाक में जो कम का लफ्ज है ये तीन ही बार सवालिया बनकर आया है सवालिया के तौर पर क्वेश्चन रेस करने के तौर पर सिर्फ तीन ही बार इस्तेमाल हुआ है और ज्यादातर क्या होगा यही होगा कि कितना अरसे के तौर पर कितना अरसा ठहरे सुर कैफ में इस्तेमाल हो गया या इस तरह से एक आपको मोमिनून आ गया और एक है सूरतुल कहफ में और एक नहीं शायद कहीं और है मुझे वो आ, नहीं याद लेकिन तीन बार ठीक है सिर्फ तीन बार इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है कि बाकी जो पंद्रह बार है वो वो अब जो मैं एक्सप्लेन करने चाह रही हूँ वो उस तरह से होगा <coughs> अब ये ये एक पूरी लाइब्रेरी है पूरी वॉर्ड्रप है जो बुक से फुल हुआ है लाइब्रेरी टाइप है ये तो अब अगर यहाँ पे मैं एक बात पूछू पूछू नहीं बल्कि बताऊं या कहू बल्कि ये मैं कहूं कि ये कितनी किताबें हैं अब मेरा यहाँ पे लहजे को देखे जो पहली वाली तीस पाँच छह बुक्स है वहां पे मैंने पूछा था ये कितनी किताबें हैं मैं पूछ रही हूँ लेकिन अब जो ये जो पिक्चर आई है यहाँ पे मैं मेरा लहजा है कितनी किताबें ठीक है यहाँ पे इसका मतलब मैं पूछ नहीं रही मैं हैरत ज्यादा हूं मैं हैरान हूँ और मैं एक ताजुब के वो हूँ या मैं खबर दे रही हूं कि वाह माशाल्लाह कितनी किताबें हैं अब मैंने वर्ड वही यूज किया कितनी अरबी हमारी उर्दू जुबान में भी यही हो रहा है कि जब देखें हम सवाल कर रहे हैं तो भी मैं कितनी का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ और जब मैं एक खबर के तौर पर एक आम बात कर रही हूं मैं पूछ नहीं रही पूछ नहीं रही तो वो तब भी मैं कितनी ही इस्तेमाल कर रही हूँ ठीक हो गया तो ये जहां पे जो कम इस्तेमाल होगा वो कम खबरिया कहलाता है कम खबरिया अब मैं कुरान पाक से अगर एग्जाम्पल दू वम अहलक ना... अब ये जो अहलक ना है ये फेल है ठीक है इसको अभी मैं आप सिर्फ तर्जमे पे नोटिस करें कितनी ही बस्तियां हमने हलाक की उनसे पहले तो अब ये जो कितनी ही है ये क्या सवालिया हो सकता है अल्लाह ताला पूछ नहीं रहा कि मैंने कितनी बस्तियां हलाक की अल्लाह ताला बता रहा है अल्लाह तला खबर दे रहा है ठीक है अल्लाह तलाको बता रहा है कि मैं तुम लोगों से पहले कितनी ही बस्तियां हलाक कर चुका हूँ ये बताया जा रहा है खबर दी जा रही है तो ये थोड़ा सा फर्क है लहजे में पूछ अल्लाह तला पूछ नहीं रहा कि अच्छा बताओ मैंने कितनी बस्तियां हालाकी ये जो पूछना है ना ये सवालिया है लेकिन जब बताने का होगा तो उसमें यह है कि कितनी ही बस्तियां मैं हलाक कर चुका हूँ हलाक कर दी है पहले। तो ये, ये खबर दी जा रही है और ये वाला जो कम होगा ये पंद्रह बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है तो आप जहन में रखें कि ज्यादातर जो कम इस्तेमाल हुआ है वो क्या है खबरिया सवालिया तो सिर्फ तीन तीन बार है एक बार लबिस तुम है और एक बार लबिस ता है और एक और बार पता नहीं हो कितनी बार होगा उसके साथ क्या होगा मतलब लेकिन तीन बार है तो टोटल तो ये अठारह बार इस्तेमाल हुआ है तो ये कम से मुतालिक इंफॉर्मेशन हो गई इस पेज के अंदर आप इसकी भी स्क्रीन लेके रख सकती हैं चले जी आगे हमारे पास क्या है जर्फ जो मैंने चार आपको इसमें इस्तेफाम बताए थे कि वो जर्फ मका या जर्फ जमा बनकर आते हैं यहां पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जर्फ मका ओ जमा कभी भी मुफतदा नहीं बनते ये मैंने आपको इस लेक्चर के दौरान भी बताया था कि जर्फ मकान जमा जो होते हैं ये कभी भी मुफ्ता नहीं बनकर आएंगे इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं मुरकब जारी की तरह जिस तरह जुमले के अंदर हम मुरकब जारी को ट्रीट करते हैं ना जर्फ से बनने वाले मुदाफ मुदाफिले को या फिर जर्फ को हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं मरकब जारी की तरह तो इनशाला अभी हम देखते हैं आईना, आयना शुरु अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि इस वक्त ये जो आईना है ये हमें आपने बस ये चीजें जहन में रखनी है इसलिए मैंने स्टार्ट में जो एक लिखा था ना कि आप ये बस दुआ करें या चीजें हम जहन में रख रहे हैं हमारे जहन में रहें और हमारा शुमार भी हाफजे कुरान में कर दे क्योंकि हम हिफ्स कर रहे हैं इन चीजों को जहन में रख रहे हैं कि कौन सा लफ्ज अच्छा कौन सा इसम इस्तेफाम क्या बनता है क्या बनकर आता है उसकी क्या कंडीशन होती है तो बस इनशाला आप कोशिश करेंगे जब कभी आईना आए लफ्ज कुरान पाक में तो ये मुफ्त नहीं बनेगा क्यों क्योंकि ये एक वक्त को या फिर एक जगह को डिफाइन करेगा और हम देखते हैं कि ये वक्त तो ये जगह को किस तरह से डिफाइन करता है इसका तर्जुमा भी देखते हैं तो मुफ्ता तो ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि फिर कोई कोई और होगा जो मुफ्त बनेगा अब हम अगर शुर का ऊ को देखें तो कुम तो जमीर है इसलिए जमी, कुम को ना देखें शुरु शुर का ऊ तो यहाँ पे देखें पेश है तो ये हालत रफा में है और ये मारफा भी है क्योंकि इसका मुदाफ इलाह मारफा है मुदाफ अलाय क्या है कुम जमा हमेशा मारफा होते हैं ठीक है तो ये मारफा हो गया ये मुब्तदा बनेगा अब ये आईना क्या बनेगा और ये क्यों शुरू में है तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये खबर भी बन रहे होंगे ना तो जुमले के शुरू में आएंगे क्यों क्योंकि ये जुमले की सदारत चाहते हैं तो यहां पे फिर मुब्तदा जो होता है ना वो बेचारा आगे चला जाता है क्योंकि ये जो मैं आईना कह रही हूँ जो इसम इस्तम है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ये जुमले के शुरू में ही आते हैं अच्छा अब ये शुरू शुरु का हुतदा बन के बन गया और आयना जो है ये इस्म इस्तेफाम जरफ़ मका बन जाएगा ठीक है अब ये क्या बनेगा इसको हम खबर तो नहीं कहेंगे लेकिन कायम खबर कह देंगे क्योंकि असली खबर यहाँ मौजूद नहीं है अः अच्छा तो अभी क्या है कि तुम्हारे शरीक कहाँ है अब यहाँ पे देखे पूछा जा रहा है अब क्या इसका आप आंसर देंगी हाँ या ना नहीं पूछा जा रहा है कि वो कहाँ है ठीक है तो जगह बतानी पड़ेगी इसका मतलब है जगह का एक ये जर्फ क्या है जर्फ मका क्योंकि जगह का एक बात हो रही है बात जगह से रिलेटेड है वक्त से रिलेटेड नहीं है जमाना नहीं पाया जा रहा इसमें इसमें एक जगह का मफूम आ रहा है कि कहाँ है तुम्हारे शरीर तो इसलिए ये जर्फ के मायने देता है अच्छा यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आईना से रिलेटेड मैं ये देती चलूं कि आईना के साथ जब माँ जुड़कर आ जाए ऐ माँ ठीक है तो इसका मायने होगा कहीं भी आई नमा, कहीं भी तो ये जो आई नमा लिखाएगा ये कभी भी नहीं बन ठीक है ये इस्तेफामिया बन के नहीं आता ये एक आम बात हो रही होती है जैसे कि पाक ही की आयत है उसको मैं तर्जुमा दे बताती हूँ आपको के यहाँ पे चूंकि स्क्रीन के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि मैं उस आयत को भी डाल सकती लेकिन मैं रफली आपको वर्बली बता देती हूँ तुम जहाँ कहीं भी जाओ मौत तुम्हें आकर रहेगी ये मैं फूम बता रही हूँ एग्जैक्ट वो तर्जमा नहीं उतारी कुछ ऐसा ही तर्जमा है कि तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें आकर रहेगी तो ये जो जहां कहीं का लफ्ज है ये भी जर्फ का मायने दे रहा है लेकिन सवाल नहीं पूछा जा रहा ये बताया जा रहा है कि तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें पकड़ के रहेगी आ पकड़ेगी मौत तुम्हें आ पकड़ेगी तो ये इस्तीफामिया नहीं है ठीक है ये आप जहन में रख लीजिएगा इनशाला अपने नोट्स में लिख लीजिएगा मेरी कोशिश होती है जब मैं लेक्चर हालांकि ये मैं फर्स्ट टाइम जितना भी अब स्टार्ट किया ये मेरा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम टीचिंग में जैसे ही सीखना किया साथ ही सीखाना मैं खैर सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता सीखने का अमल तो ता हयात है मरते दम तक मैं सीखते रहूंगी लेकिन जो बेसिक होते है न, बेसिक है ना सीखना वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझे लगा कि अब मैं, मैं जे, अब मैं ये कंप्लीट हो चुका है मेरा तो मैंने सिखाना शुरू कर दिया ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ या जितनी मुझे है वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर दू अल्लाह हम सब के इम में इजाफा फरमाए और इंशाल्लाह मुझे कोशिश मैं अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं अच्छा अब अगली आयत में आप देखें यहाँ पे अन्ना ठीक है अन्ना का जो है ये भी जो है ये जर्फ मकाम बनकर आएगा क्योंकि ये भी कहाँ का मायने देता है तो इसका जो तर्जमा है वो है कि ए मरियम देखें या मुनादा आ गया हमने पिछला ही लेक्चर या मुनादा हरफ निदा और मुनादा पे किया है ना ए मरियम कहा से लका तुम्हारे लिए हाजा ये अमरियम ये तुम्हारे लिए कहा से आया जब उनके पास था ना गैर मौसमी फल आए हुए थे जब इस्लाम आए उनके हुज़रे में तो उन्होंने देखा कि ये गैर मौसमी फल है तो वो बड़े हैरान हुए कि इन इन फलों का तो अभी मौसम भी नहीं है तो ये मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आए तो कालत उन्होंने कहा या वो बोली हुआ मिन एन मैंने ये पूरी आयत इसलिए लिखी है कि यहाँ भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरी आयत में सिर्फ एक ये कालत है जो कि बहुत जल्दी आप इन ये भी सीख लेंगी सिर्फ एक यही लफ्ज रह गया है जो भी आपने नहीं सीखा। आप इस पूरी आयत में देखें तो आप सब कुछ सीख चुकी है में, जो इस आयत में आया यहाँ पे आप देखे हुआ क्या बन जाएगा मुफ्त मीन इन दिल्ला इन दिल्लाफिला मरकब इजाफी ये पूरा मरकब इजाफी मजरूर हो जाएगा हरफे जर मीन के लिए और मीन अपने मजरूर से मिल के बन जाएगा काय मुकाम खबर क्योंकि यहाँ पे असली खबर मौजूद नहीं है और हुआ मुबदा तो ये मैंने आप वर्बली थोड़ी सी तरकीब कर दी तो यहाँ पे क्या फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे अल्लाह के पास से आया है ठीक हो गया तो यहाँ पे भी ये जो कहाँ का मायने दे रहा है अन्ना का तो ये क्या बनेगा ये भी बन जाएगा इसम इसफाम ठीक हो गया तो ये चीज आप जहन में रखिएगा कि ये मुफ्तदा बनकर नहीं आते हैं क्योंकि ये जर्फ है आगे चलते हैं जर्फ मकान तो अब हमने देख लिया अब जर्फ जमा को देख लेते हैं अगर इसमें इस्तेफा में कोई है तो जी बिल्कुल है दो लफ्ज हैं उनमें से एक है मता <coughs> मता का जो लफ्ज है ये जर्फ जमा बनकर आता है नौ बार पाक में इस्तेमाल हुआ है उसमें से एक आयत है मता हादल व वा ये वादा कब पूरा होगा ये वादा कब होगा होगा का मतलब कब पूरा होगा पूरा होना उसके अंदर एक मफूम के अंदर छुपा हुआ है ये वादा कब होगा यानी कब पूरा होगा तो अब ये जो मता है ये कब कमाई नहीं दे रहा है कब इसका मतलब है ये एक जमाने को शो कर रहा है एक वक्त का पूछा जा रहा है ये कब होगा ठीक है ये वक्त को बता रहा है जगह को नहीं बता रहा इसलिए जमाने की यहाँ पे बात हो रही है कि ये वादा कब पूरा होगा और ये वादा कौन सा क्या का वादा जो ये पूछते थे ना नबियों से कि तुम लोग हमें क्यामत से डराते हो तो आखिर वो तुम लोगों का वो वादा कब पूरा होगा फिर कब आएगी क्या ठीक है तो वो ये जो आयत है ना मता हादू छोटल मता का लफ्ज आया ही नौ बार है जिसमें से छह बार जो है ना वो ये आयत है तो इस आयत को आप जब समझ लेंगे तो समझे छह बार तो आपको समझ लग गया कि मता जो है यहाँ पर क्या है जर्फ जमा बनकर आया है अच्छा तो आगे चलते हैं अगली आयत जो है वो ये है कि अल्लाह की मदद कब आएगी ठीक है तो यहां पे भी ये नसरुल्ला ही देखे मरकब इजाफी हो गया और ये क्या बन जाएगा मता जो है ये ये जर्फ जमा हो गया तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मता और नसरुल्ला ही इन दोनों में से मुबदा क्या होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी कि मता तो मुबदा नहीं हो सकता क्योंकि ये जर्फ है तो नसरुल्ल ही अल्लाह की मदद ये मुबदा है और इसलिए देखा अगर तर्जमा करें अल्लाह की मदद पहले आई है हमने उर्दू का तर्जमा पहले करना है अरबी में क्या होता है कि में आते हैं। लेकिन हम उर्दू में तो अपना हिसाब से अल्लाह की मदद इसका मतलब है कि अल्लाह की मदद मुब्त हो गया कब आएगी तो ये आ जाएगी खबर यानी कि काय मुकाम खबर ठीक हो गया आगे यहाँ पे भी देखे इन्ना ना ही ये पूरी आद भी हम आपको अगर मैं पूछूं आप इसको कर सकती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगी कि ये इन्ना क्या है ये इसके ऊपर जबर क्यों है ये अल्लाह के नीचे जेर क्यों है ये यहाँ पे बहुत छोटा हो गया ये दो पेश है ठीक है करीबन ये दो पेश है ये बा के ऊपर तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको एनालाइज करना चाहें तो इसको आप आसानी से एनालाइज कर लेंगी तो इस आयत में भी सब अल्फाज हम कर चुके हैं सवाय अला के अला जो है ना ये आगा तम भी के तौर पर इस्तेमाल होता है तो टोटल सात बार तो आपको यहीं पे प्रैक्टिस हो गई है सिर्फ दो बार रह गया मता ठीक है तो वो भी इन कभी ना कभी आपकी नजरों से जब कुरान पाक में गुजरेगा तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकती हैं अब हम आगे चलते हैं मता हो गया अना ये कुरान पाक में छह बार इस्तेमाल हुआ है जर्फ जमा के तौर पर यह भी जमाने को मफहम देता है छ बार आया है कुरान पाक में जैसे कि अनाम क्यामती क्यामत का दिन कब आएगा ठीक है क्यामत का दिन कब आएगा तो यहाँ पे भी जमाना पूछा जा रहा है वक्त बताया पूछा जा रहा है कि कब आएगी क्यामत ये नहीं पूछा जा रहा कि क्यामत कहाँ आएगी यानी जगह नहीं पूछी जा रही जब वक्त पूछा जा रहा है जमाना पूछा जा रहा है इसी तरह एक और आए थे कि अना यामुद्दीन बदले का दिन कब आएगा बेसिकली घुमा फिरा के बात वही क्यामत पे आ रही है बदले का दिन भी क्यामत के को ही बता पूछा जा रहा है यानी क्या बदला कब होगा हो क्या मत कर दी नहीं होगा जब हिसाब तब होगा तो वो कब आएगा तो यहाँ पे भी क्या हो गया ये जर्फ बन रहा है अब चूंकि ये शुरू में है तो आपने इनको मुर्तदा नहीं बनाना अब देखें यहाँ पे नोटिस करें मेरा करसल किधर है यौमुद्दीन आरकब इजाफी यामकियामती ये भी मरकब इजाफी और दोनों मरकब इजाफी की इराबी हालत क्या है रफा तो इसका मतलब कि युमुद्दीन ये क्या बनेगा दीनी ये बन जाएगा मुर्तदा और यमल क्यामती ये बन जाएगा ये भी मुर्तदा तो ये अयाना फिर इसका मतलब है खबर की जगह पे आ जाएगा अच्छा आ जाए अब आगे हम चलते हैं आकिल और गैर आकिल अच्छा यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि जो सिस्टर सिर्फ अपने लिए अरबी ग्रामर को सीख रही हैं अरबी ग्रामर को उनको तर्जुमा करना आ जाए उनके लिए इसको इतने डीपली लेना जरूरी नहीं है लेकिन जो आगे इनशा जो टीचिंग करना चाहती हैं जो आगे सिखाना चाहती हैं इनशाला तो उनके लिए जरूरी है कि उनके पास इंफॉर्मेशन हो ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पे ये आकिल और गैर आकिल को क्योंकि मेरी नजर में हर मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि कौन कौन सी सिस्टर्स सीख रही हैं कुछ टीचर्स भी आ, हैं आकिल में क्या क्या आता है जी इंसान फरिश्ते और जिन ठीक है जी सिर्फ तीन कैटेगरीज हैं जो आकिल की कैटेगरी में आती है इंसान फरिश्ते जिन इनके अलावा इन तीन के अलावा जो कुछ होगा वो गैर आकिल होगा जैसे कि इंसान फरिश्ते जिनके अलावा क्या क्या चीजें हैं किताबें पहाड़ घर दरिया दरख्त वगैरह जो भी चीजें आएंगी बाकी चाहे वो घर की चीजें हैं बाहर की चीजें हैं दरिया दरख्त पहाड़ कितना कुछ है ना वो सब कुछ क्या होगा गैर अकिल होगा तो ये जब लक्चर फाइव मैंने एक्सप्लेन किया था तो इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा चेंजिंग करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये गैर आकिल क्या होता है तो अब इसम इस इस्तेफा में देखते हैं कि आकिल क्या होता है और आकिल के लिए कौन सा इस्तेमाल इस होता है और गैर आकिल के लिए कौन सा इस्तेमाल इस होता है चले इनशा अब जैसे अगर मैं ये एक सवाल है कुरान पाक की आयत का कि मल कौर या तो खड़क क्या है खड़कने वाली क्या है खड़क कर, खड़खड़कने वाली तो यहाँ पे अब अगर मैं पूछूं कि ये जो खड़खड़ने वाली ये आकिल है या गैर आकिल तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ होंगे कि ये गैर आकिल है ठीक है ये ना तो इंसान है ये ना तो जिन है ना ही ये फरिश्ता अच्छा आगे चलते हैं मंदिर लदी यशवाह कौन है जो सिफारिश करे उसके पास ठीक है अब ये जो कौन है इसका मतलब क्या कोई दरवाजे पहाड़ दरिया पानी क्या ये सिफारिश कर सकते हैं नहीं कर सकते जहरी बात है सिफारिश वही करेगा जो अकल रखता होगा आकिल होगा चाहे वो इंसान हो फरिश्ता हो या जिन हो वो अकल वाला ही कोई सिफारिश करेगा ना अल्लाह के पास कोई पहाड़ दरख्त तो नहीं सिफारिश करेगा तो यहां से भी भी आपको पता चल जाएगा कि आकिल के लिए माने इस्तेमाल होता है और गैर अकिल के लिए माँ लेकिन फिर वो भी मैं बह रही चली हूँ कि जो सिस्टर्स मेरी जो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अपने सीखने के लिए सीख रही है वो अगर उगर वो मन आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि उन्हें ये पता चले कि अच्छा ये मन यहाँ पे आकिल है या गैर आकिल है आपसे ना कोई पूछेगा ना आपको इसकी टेंशन लेनी है हाँ अलबत्त जो टीचिंग करना चाहती है उन्हें जरूर पता होना चाहिए ताकि वो प्रिपेयर हो हर लिहाज से ताकि जो भी सिस्टर्स उनसे पूछे या वो बताएं तो वो डिटेल से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें अच्छा खबर में जो हमसे तीन सवाल होने हैं मन रब्बू का तुम्हारा रब कौन है कौन है तुम्हारा रब अच्छा ये मैंने दोनों तरह से दो तरह से बोला है एक है सवाल कि कौन है तेरा रब और अगर इस बात को मैं ये कहूँ तेरा रब कौन है तो यहाँ पे बात अब थोड़ी डिफरेंट हो गई है यानी मुफ्त खबर बस आगे पीछे हुए हैं बाकी सब कुछ वही है अब ये जो मन है ना ये मुफ्तदा बन के भी आ सकता है खबर बन के भी आ सकता है अब कैसे है कि अगर मैं कहूंगी कि कौन है तेरा रब तो यहाँ पे कौन है जो है ना इस वक्त ये जुमले की शुरुआत हो रही है तो ये मुफ्त बन रहा है फिर और खबर क्या है तेरा रब यानी कौन है से रिलेटेड खबर दी जा रही है तेरा रब अब तेरा रब जरिए बताए रब गैर आकिल में तो नहीं आएगा ना आकिल में आएगा तो यहाँ पे मन आखिल में हो गया अब अगर मैं, मैं तर्जमा में तेरा रब पहले ले आऊ तेरा रब कौन है तो इसका मतलब है कि रब्बू का मुफदा बन जाएगा और मन खबर लेकिन मन पहले इसलिए आया क्योंकि ये जुमले की सदारत चाहते हैं ये आते ही जुमले जुमला इस्तेफाम जुमले के शुरू में आते हैं तो शुरू में आने के बावजूद हम फिर इसको खबर कहेंगे और रबू का रबू का को हम मुफदा कहेंगे तो मन जो है ना दोनों तरह से हो सकता है डिपेंड करता है कि हम तर्जमा आप किस तरह करते हैं अच्छा जी अगला आ गया कि मन नबी यू का कौन है तेरा नबी अगर तो हम इस तरह से तर्जुमा करेंगे तो फिर मन क्या बन जाएगा मुबदा और नबी यू नबी अब गैर आकिल है, तो नहीं ना क्योंकि इंसान की कैटेगरी में आएंगे तो फिर ये क्या होगा कि ये तेरा रब सॉरी तो तेरा नबी तो यहाँ पे ये मुब्त अगर हम मन को मुब्त बनाएंगे तो नबी यू का खबर बन जाएगा अगर हम नबी यू को नबी यू का को मुबदा बनाएंगे तो मन क्या बनेगा खबर अच्छा तीसरा सवाल तो ये बन गया आकिल. ये जो मैंने कहती अभी जो ऑरेंज कलर में पीच कलर में बेसिकली ये आकिल हो गया तो अब आ गया मा दीनू का अब दीनू आकिल बनेगा या गैर आकिल अब आप समझ गए होंगी कि ये देखें यहाँ पे देखें फिर पीछे माँ मन मा नहीं आया यहाँ पे माँ आया है ठीक है मन माँ दीनू का तुम्हारा दीन क्या है या क्या है तुम्हारा दीन तो यहाँ पे ये आ, गैर आकिल है क्योंकि दीन जो है वो गैर आकिल की कैटेगरी में आएगा ठीक हो गया तो यहाँ पे फिर माँ क्या बनेगा मुर्तदा और दीनू का बन जाएगा खबर तो ये हम हमारा हो गया आकिल और गैर आकिल से रिलेटेड ये हमारा हो गया आगे चलते हैं इंशाल्लाह यहाँ पे कई फस से मुतालिक कुछ मैंने आयात लिखी है अब चूंकि ये जो है आगे इसके फेल आ रहा है तो इसलिए फिर मैं इसका सिर्फ तर्जमा बताती हूँ कि क्या बस वो नहीं नजर करते क्या वो नहीं देखते ऊंटों की तरफ कि कैसे उसकी तख्लीक हुई कैसे आसमान की तरफ नहीं देखते कैसे उसको बुलंद किया गया पहाड़ों की तरफ कैसे उनको नसब किया गया जमीन की तरफ कैसे उसको बिछाया गया ठीक है तो मैंने सिर्फ तर्जुमे के पे कैसा का देता है बजाय इसके कि देखें जिबाल क्या है मुजक्कर अगर जो यहां पे ये जमा मुकसर है तो मोनस के तौर पर ट्रीट होगा असमाऊ भी यहाँ पे मोनस है अलर्द भी यहाँ पे मोनस है लेकिन अल इबिली ये जो है ये मुजक्कर है मतलब ये कहने का कि मुजक्कर मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा कैफा 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 ही रहा है यह रफा बन रहा है नसब बन रहा है जर एनालाइज इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये ये पूरा जो है अब हम जुमला फेलिया को जब पढ़ेंगे ना तो ही हम इसको डिसाइड करेंगे ठीक है क्योंकि अब आगे इंशाल्लाह हमारा जुमला फेलिया शुरू होने वाला है इसका ताल्लुक अब आगे जुमला जुमला फेलिया से हम इसको करेंगे ये मुतदा खबर वाली बात नहीं है इसमें आगे चलते हैं माँ यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती चलू ये जो माँ इसम है ये कभी कभी जो होता है ना ये हरफे जर के साथ जुड़कर आता है कैसे जुड़कर आता है वो भी बताती हूँ लीमा ये जहन में रखेगा कि ये जो माँ के साथ अलिफ लगा हुआ है ना माँ के साथ अलिफ लगा हुआ है ये हट जाएगा जब ये इसके पीछे हरफे जर आएगा ना तो ये अलिफ नहीं लगेगा अगर आपको कुरने पाक में हरफे जाद पीछे नजर आए और पीछे आगे अलिफ भी नजर आए तो इसका मतलब कि वो इसम इस्तीफ़ाम वाला माँ नहीं है वो फिर माँ मौसूला होगा क्योंकि माँ आपको पता है कि माँ मौसूला भी है माँ नफी का भी है माँ हम इस्तमिया भी आज पढ़ लिया तो माँ की कुछ किस्में हैं ठीक है थीके? तो अगर इसके साथ ये ली माँ अलिफ होता ना तो फिर ये ये क्यों कमाने नहीं देता फिर ये इसमें इस्तेफाम नहीं होता तो ये जहन में रखिएगा कि जब ये बगैर अलिफ के आएगा तो फिर आप ये जो है ना अः इसम इस्तेफाम ही होगा लेकिन मायने थोड़ा चेंज हो जाएगा क्या से जगह क्यों बन जाएगा लीमा क्यों ये लीमा पंद्रह बार कुरानी मजिद में इस्तेमाल हुआ है और हर बार फेल के साथ इस्तेमाल हुआ है इसलिए मैंने इसकी कोई आयत नहीं ली क्योंकि अभी हमने जुमला फेलियर शुरू नहीं किया तो आपको बात समझ नहीं आनी बिल्कुल सिंद्रा अभी जिस तरह हमने कैफा को सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा बस टच दिया है ठीक है फी मा किस में आप देखे क्या से उसका मायनिंग चेंज हो गया किस में फी फी हरफर और मा किस में ये पूछने के मायनों में आ रहा है ठीक है ये दो बार पाक में इस्तेमाल हुआ है और दोनों आयतें मैंने लिख दी हैं ठीक हो गया अच्छा आगे चलते हैं मिम मा मिन हरफे जर और मा मिम जब नून आपको ये अब आप ये तजवीद का रूल है ठीक श्रद्धा तशदीद अच्छा अब मैं इसीलिए इसको एनालाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना पता ये जुमला फेलिया शुरू हो रहा है अब अल इंसानू इस जुमले के अंदर क्या बन रहा है मिम्मा ये यह बन के क्या इस जुमले जुमला फेलिया के हिसाब से ये क्या बनेगा मैं अभी आपको क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं ना तो मैं उसमें नहीं लेके जाना चाहती इनशाला नेक्स्ट लेक्चर से वैसे भी जुमला फेलिया शुरू हो जाएगा अम्मा ये भी कुरान पाक में क्या है एक ही बार इस्तेमाल हुआ है और तीसवा पारे की पहली तीसवा पारा शुरू ही इसी लफ्ज से हो रहा है ये आलून। अब यतसा यतसा ये भी फेल है ये एक ही बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है तो ये भी आप ले, ले कि, कि कौन सा लफ्ज कितनी बार हुआ है मतलब गिनने में इंसान गिन सकता है अब अब आपने नोटिस करें देखे कम मैंने आपको बताया था आई थिंक के अठारह बार इस्तेमाल हुआ है अना छह बार इस्तेमाल हुआ मता नो बार इस्तेमाल हुआ ये इसमें इस्तेफाम बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं इसलिए आप उन्हें टेंशन नहीं लेनी फिक्र नहीं करनी बस इतना हो कि जब कभी कुरान पाक में आए तो आप इनकी पहचान कर सकें कि आप आपने तर्जुमा पूछने के सेंस में करना है इस्तेफाम इस्तेफामिया उसके अंदर एक मफहूम होना चाहिए आपका लबोलहजा इस्तेफामिया होना चाहिए पूछने वाला अंदाज होना चाहिए ठीक हो गया आगे चलते हैं अच्छा ये जो मैंने अब अलिफ को सर्कल भी कर दिया कि ये अलिफ नहीं लगा होगा जब पीछे हरफे जार लगा होगा तो ठीक है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ अच्छा ये मेरे नोट्स हैं स्टूडेंट लाइफ के हमेशा मैं शेयर करती होती हूँ यहाँ पे देखें हर फेम में ये समझेंगे ये पूरे लेक्चर की समरी है इसके अंदर मेरे उस टाइम भी नोट्स ऐसे होते थे कि टू द पॉइंट हो बस जल्दी जल्दी वाला काम हो हरूफ इस्तेफाम अब चूंकि टीचिंग कर रही हूँ ना तो अब तो मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है इसलिए लेक्चर लंबा हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में मैं शॉर्टकट मारती थी अच्छा हरूफ इस्तफाम दो आ गए इसम इस्फ़ाम की ये पूरी लिस्ट हो गई और हरूफ इसम हरूफ जर हो जाए इसम इस्तम के साथ तो ये पूरी कैटेगरी क्या है कि इसम इस्तम से पहले हरफ जर लगा हो अगर हरफ जर लगा होगा तो इसम इस्तम की इराबी हालत क्या होगी मजरूर यह जहन में रखिएगा आप चूंकि वो मबनी है अपनी हालत तब्दील नहीं करेंगे अब ये जो माँ है मी नहीं बन जाएगा माँ माँ ही रहेगा ठीक हो गया यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये देती चलूँगी ये जो मैंने आप रेक्टेंगल uh, uh, में ये जो सारा uh, किया है ये कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुए ये इनके एज ए लैंग्वेज में है आप जैसे कोई uh, शॉपिंग के लिए जाए और किसी चीज की कीमत पूछे ये कितने की है तो कहेगा बीकम बिकम का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल करेगा अब कुरने पाक में कोई चीज़ खरीदारी तो नहीं ना हो रही खरीदो फ्रोख्त तो नहीं हो रही ना कि हम पूछे ये फला चीज कितने की है ये कपड़ा कितने का है ये किताब कितने की है तो लिमाजा किस लिए कब तक कहाँ से कहाँ को तुम कहां से हो तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है या तुम कहाँ जा रहे हो ये तो नॉर्मल बातें ना लैंग्वेज की बातें हैं इनका इस्तेमाल कुरान पाक में नहीं है तो इसलिए इसको भी मैंने कर दिया ये चारों जो ऊपर वाले हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं लीमन अलबत् नहीं एक्सप्लेन किया लीमन जो है ना ये मन जो है ये इसम ये कभी कभी इसम मौसूल के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और कभी कभी इसम इस्तेफाम के तौर पर भी कभी होगा अगर इसम इस्तेफाम होगा तो होगा किसके लिए और अगर ये इसम मौसूल के लिए इस्तेमाल होगा तो होगा जिसके लिए अब जिसके लिए और किसके लिए फर्क है ना तो मैंने आयात भी नहीं ली उसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहा क्योंकि ये वही बात है बहुत कम इस्तेमाल हुआ है हाँ इससे मौसू अबतः बहुत इस्तेमाल हुआ है ठीक है ज्यादातर जो है ना इसमें मौसू के तौर पर आपको ये लीमा वगैरह जो है ना इसम्म इसे मौसू के लिए बहुत इस्तेमाल हुआ है इससे इस्तेफा के लिए तो आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कोई एक बार है तो कोई दो बार है तो बस मायने में आपको पता चल जाए कि अगर वो इसमें इस्तेमाल है वो पूरी आयत का कॉन्टेक्स्ट भी बता, बताएगा कि हम इसको इसमें इस्तेफाम के तौर पर इसका तर्जमा करें या इसम मौसू के तौर पर इस्तेमाल तर्जमा करें इसम मौसू होगा तो जिसके लिए और इसमें इस्तेफाम होगा तो किसके लिए पूछा जा रहा होगा ठीक हो गया तो इसके भी आप स्क्रीन शॉट ले अगर लेना चाहें तो ले सकती है चले जी ये भी एक किस्म की पूरी समरी है इसके अंदर एक तरफ ये सारे इसम इस्तेफाम हो गए और ये जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था ना ये सारा मैंने इधर भी लिख दिया साइड पे तो अगर आप इसकी भी ले लें तो तो ये समझें कि आपके पूरे लेक्चर की जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई थी तो वो इसके अंदर मौजूद है कि अयु क्या बनकर आता है मन क्या होता है कम क्या होता है मतलब जो कुछ भी डिटेल दी हुई है ये मबनी होते हैं या नहीं होते हैं जुमले के शुरू में आते हैं या नहीं आते वगैरह वगैरह तो इसकी स्क्रीन ले लें आप थोड़ी देर में इसलिए रोकती हूँ ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें तो अल्हमिल्ला हमारा जुमला इसमिया का लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे तौफीक अता फरमाए कि खैर और आफियत के साथ जुमला फेलिया भी मुकम्मल हो और मैं अल्लाह की बहुत शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना मुझे तौफीक दी मुझे हिम्मत दी और मेरी मदद की कि मैं आसानी के साथ आयात को ढूंढूं और आपने नोटिस किया होगा बल्कि कि मैं फर्जी जुमले को मैं प्रेफर नहीं करती सिर्फ समझाने के लिए अगर एक दो जुमले बनाऊं तो एक अलग बात है लेकिन मेरी शुरुआत भी कुरान पाक के याद से होती है तो इख्तिताम भी ज, ए, कुरान पाक के याद पे ही होता है क्योंकि हमारा अरबी से हमारा लेना देना किसके लिए सिर्फ कुरान पाक के लिए वरना हमें अरबी क्यों सीखनी है हमें जरूरत ही नहीं है हमने अरबी से हमारा और क्या लेना देना तो अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह हमें अपना कुर्ब नसीब फरमाए एक चीज यहाँ ये बता बताते चलूं कि हमारा जुमला इसमिया के हर टॉपिक कंप्लीट है इस मौसूल के इस मौसूल इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो जुमला फेलिया में इस्तेमाल ज्यादा हुआ है और जब जुमला फेलिया को हम थोड़ा समझ लेंगे तो ही आप उसको सही समझ पाएंगी आपकी उस पर ग्रिप तब आएगी जब आपको जुमला फेलिया को थोड़ा बहुत समझा होगा वरना वो हवाई फायर करने वाली बात है आपको मैं समझाऊंगी बिना तो आपको वो बात समझ नहीं आएगी जब तक आयात को मैं एनालाइज करके आपके सामने समझाऊंगी नहीं ठीक है तो इनशा बहुत जल्द अब अगले लेक्चर से जुमला फेलिया शुरू होने वाला है तो फिर इससे मौसू भी हो जाएगा

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته